हाय एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर सोमेश कुशवाहा है और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी की हेल्प के लिए नई नई वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो आज की वीडियो थोड़ी सी हट के है। आज हम जो कॉलेज में टीचर्स के रूप में ज्वाइन करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके रिगार्डिंग एक न्यू और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे सभी बच्चे जो अभी MD परस्यू कर रहे हैं, जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है या फिर जो अभी पास आउट होने वाले हैं, उन सभी के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा शुरू से अंतिम तक देखिएगा और मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आराम से मिल जाएगा। चलिए वीडियो को चालू करते हैं, सीधे मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर चलते हैं। देखिए, दिख रहा होगा आपको नोटिस निकली हुई है 14/12/2023 को, टू और द प्रिंसिपल डीन डायरेक्टर ऑल ASU एंड HS कॉलेजेस, ऐसा करके लिखा है। सब्जेक्ट क्या है इसका? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट NTET फॉर पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ ईच डिसिप्लिन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एज पर सेक्शन 17 ऑफ द NCISM एक्ट 2020। मतलब कि अब आप लोग को किसी भी कॉलेज में ज्वाइन करने के पहले एक एलिजिबिलिटी टेस्ट भी पास आउट करना पड़ेगा। तो देखते हैं उसमें और आगे क्या डिटेल लिखा हुआ है। सर मैडम, इन रेफरेंस टू द सब्जेक्ट सीटेड एबो, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी दैट एज पर द प्रोविजन मेंशन्ड एबो NCISM हैज टू कंडक्ट नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट NTET फॉर दोज हु वांट टू एंटर टीचिंग प्रोफेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मतलब कि जो पढ़ाने के लिए पहली बार आना चाह रहे हैं, मतलब पास आउट जब आप MD करेंगे उसके बाद अगर आपको पढ़ाना है, या फिर आपको पास आउट हुए 3-4 साल हो गए उसके बाद आप पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, मतलब आपका टीचर कोड कहा हूँ तो अब नहीं बना हुआ है, तो उसके लिए ये खासकर इंपॉर्टेंट चीज़ है। NCISM हैज रिसीव्ड अ वेटेड कॉपी ऑफ द रिलेवेंट रेगुलेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड द सैड रेगुलेशन विल बी नोटिफाइड सून। फर्दर एज पर लॉ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेगुलेशन स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ द रेगुलेशन। मतलब कि इस नोटिफिकेशन के बाद से ये चीज़ एक्टिव कर दी जाएगी, मतलब इस साल से अब जिन बच्चों को आना होगा या फिर अभी जो आप अप्लाई कर रहे हैं टीचर्स कोड के लिए, तो उनको एग्जाम देना पड़ेगा, एक ऐसा बोल रहे हैं। देयरफॉर आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ एबो सेड रेगुलेशन एवरी पर्सन हैज़ टू पास नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट NTET बिफोर ज्वाइनिंग एज टीचर इन ISM कॉलेज। NCISM had already started process for preparing for the first NTET in 2024। मतलब कि जो पहला एग्जाम होने वाला है 2024 में, उसके लिए इन्होंने तैयारी चालू कर दी है। द डेट एंड टाइम ऑफ NTET विल बी डिक्लेयर्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इन अकॉर्डेंस विद एबो सेड प्रोविजन ऑफ द NCISM एक्ट 2020। तो आप लोग जो भी नए बच्चे भी पास आउट होकर निकलेंगे 2024 के लिए, उन सभी को अब एक टेस्ट देना होगा जिसमें आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा NTET पास होने का, उसके बाद ही आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई कर पाएंगे टीचर्स के, टीचर्स अगर आपको बनना है तो। एक पॉइंट इसमें और लिखा हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं कि प्लीज़ नोट NTET इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दोज हु हैव NCISM टीचर कोड। मतलब कि उनके लिए अप्लाई नहीं होगा जिनके पास टीचर कोड है, मतलब कि जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं इस प्रोफेशन में पहले से ही हैं वो, तो उनको ये एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। पर जो आने वाले नए बच्चे हैं उन सभी के लिए अब ये अनिवार्य किया जा रहा है, और पहला NTET एग्ज़ाम जो होने वाला है वो 2024 में होगा। तो बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं होगा मुझे लगता है, और जब हम PG की तैयारी करते हैं फिर MD पढ़ेंगे तो आराम से एग्ज़ाम निकल जाएगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे तो इजली ही आराम से निकल जाएगा, बहुत खास बात इसमें नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल इस नोटिफिकेशन में इतना ही था। तो आप सभी बच्चे जो आगे टीचर के रूप में अपना प्रोफेशन बनाना चाह रहे हैं, जिनको आकर पढ़ाने के फील्ड में उतरना है, एजुकेशन में आना है, तो इसके लिए भी आपको मेंटली थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अगले साल आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी और भी जो नोटिफिकेशन आएंगी वो मैं आपको प्रोवाइड जरूर करूँगा। ये नोटिफिकेशन आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।